Morning to all of you. Today we will explore unit 4 of class 4 why. इस वीडियो के लिए हमें आकांक्षा ने रिक्वेस्ट की थी और उनकी रिक्वेस्ट पे ही हम ये वीडियो बना रहे हैं. Why means क्यों. So it is a very beautiful English poem and it is a real incident. अपने आसपास have you ever seen the child? क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है या बात की है? हमेशा आप देखेंगे कि उनके मन में अक्सर क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि टाइटल से ही क्लियर है. Why? Why means the word why means it is a WH question. क्यों, ऐसा क्यों है? Like, so आपने देखा होगा जब कभी हम बॉयज से चिल्ड्रन से बात करते हैं, गर्ल से बात करते हैं, तो अक्सर उनके मन में ये क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों होता है. आप उनको बोलेंगे नाइट, इट्स नाइट. Why night? अभी नहीं जा सकते. Why not? Why this? Why that? So this is the poem about the why. उनके क्वेश्चंस के बारे में ही ये पोयम है. So let's start this poem. I know a curious little boy who is always asking why. यहाँ जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि मुझे एक curious little boy के बारे में पता है, मैं एक curious little boy को जानता हूँ. What is the meaning of curious? देखिए curiosity, curious means उत्सुकता. एक ऐसे boy को जानता हूँ जिसके मन में हमेशा इच्छा होती है. The person who is always interested to know something. Curious words का meaning होता है कि जो हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चंस चलते रहते हैं कि क्यों होगा, कैसा होगा. सो राइटर डायरेक्टर यहाँ पे कह रहे हैं मैं एक ऐसे लिटिल बॉय को, एक ऐसे क्यूरियस उत्सुक छोटे बच्चे को जानता हूँ, हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई, जो कि हमेशा पूछते रहते हैं. हु इज़ मतलब जो, वह व्यक्ति जो कि हमेशा पूछते रहते हैं वाई, क्यों, वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नॉट, वाई बाय द बाय. सो जो हमेशा पूछते हैं क्यों ये, क्यों वह, क्यों यहाँ, क्यों वहाँ, क्यों अब, क्यों नहीं, क्यों ऐसा, क्यों वैसा. सो ये किसके बारे में कह रहे हैं नरेटर? ये कैरेक्टरिस्टिक होती है हर एक चिल्ड्रन की. आपने देखा होगा हर एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है. हमेशा जब भी आप बात करेंगे वो हमेशा पूछते हैं कि वाई सन इज़ नॉट कमिंग टू, वाई सन इज़ सो फार, क्यों सूर्य इतना दूर है हमसे, वाई देयर इज़ नाइट, नाइट क्यों होता है, क्यों हम नहीं जा सकते, क्यों हम घर में हर चीज़ पे. जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड है, अगर आप अभी बात करेंगे तो उस टाइम वो बोलेंगे क्यों हम बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन क्यों है, क्यों कोविड है, कब आएगा. सो ऑल वाई वाई वाई. सो यहाँ पे राइटर वही बता रहे हैं कि मैं कैसे क्यूरियस बॉय को जानता हूँ जो मुझसे बहुत सारे वाई क्वेश्चंस पूछते हैं कि यह क्यों, वह क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों. नेक्स्ट स्टैंजा, ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम, why lead and marble sing, why sun should shine and wind should blow and why we eat and drink. अब यहाँ पे उनकी जो नरेटर जिस चाइल्ड को जानते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि मैं जिस बच्चे को जानता हूँ वो हमेशा ही wants to know, मतलब वो जानना चाहता है why wood should swim, क्यों ऐसा होता है कि वुड, वुड मीन्स लकड़ी, शुड स्विम, स्विम हमेशा तैरते हैं. आपने अक्सर देखा होगा जब कभी आप किसी भी वाटर बॉडी पे अगर वुडन को, वुडन कोई भी पार्टिकल को आप थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो वो ऊपर तैरने लगता है. तो यहाँ पे नरेटर वही कह रहे हैं कि वो जो बच्चा है वो हमेशा जानना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है कि मैंने लकड़ियाँ तो फेंकी वाटर बॉडीज पे लेकिन वो तैर रही है, फ्लोट हो रही है. वाई लीड एंड मार्बल सिंक, सिंक मतलब होता है डूब जाना. जब कभी डूबती क्यों है, आप साइंटिफिक रीज़न है देखिए इसके पीछे कि जब कभी उस ऑब्जेक्ट का वेट वाटर के उस पर्टिकुलर स्पेस के वेट से ज़्यादा होता है तो वो डूब जाती है. तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि जो लीड्स होती हैं, जो मार्बल्स होती हैं, जो मार्बल्स होती हैं वो डूब जाती हैं. क्यों? क्योंकि वो हैवी वेट होती हैं. सो Why sun should shine? क्यों ऐसा होता है कि सूर्य जो सन है वो शाइन करते हैं, वो चमकते हैं. Wind should blow, हवाएं क्यों बहती हैं, क्यों चलती हैं हवाएं. Why we eat and drink, हम क्यों खाते हैं और हम क्यों पीते हैं. अब देखिए हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होती है हमारी एक्टिविटीज़ के पीछे, लेकिन क्योंकि चाइल्ड को अभी आप भी, आपने भी अभी क्लास फोर्थ पे अगर आप हैं तो क्लास फोर्थ पे आप क्लास के जी वन टू प्रेप वन देन आफ्टर प्रेप टू देन आफ्टर क्लास वन टू थ्री 5 ईयर्स की स्टडी करके ही तो आप आए हैं ना.
वैसे ही, लेकिन जो चाइल्ड हैं उनके मन में भी वैसे वो हर चीज़ अभी जानना चाहते हैं, इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों होता है कि जो लकड़ियां हैं वो तैरती हैं, ऐसा क्यों होता है कि जो मार्बल और लीड्स होते हैं वो तो डूब जाते हैं, जो सन है वो शाइन करते हैं, जो विंड है वो ब्लो करती है, हवाएं बहती है, और हम क्यों खाते हैं, हम क्यों पीते हैं अभी, ऐसा वाई, ये वाई, ये क्वेश्चन उनके अंदर है. नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा, ही वॉन्ट्स टू नो वॉट मेक्स द क्लाउड and why they cross the sky, why sink the sun behind the hills and why the flower die. अब नेक्स्ट स्टैंजा पे उनकी और भी क्यूरियोसिटी है, और भी उत्सुकता है कि वो जानना चाहते हैं कि ये जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वो कैसे बनते हैं. वो बोल रहे हैं कि क्या बने बादल, किससे आखिर किससे मिलके बने हुए हैं, ये वो जानना चाहते हैं. और हमेशा आपने देखा होगा द क्लाउड्स आर फ्लोटिंग, जो बादल हैं वो हमेशा तैरते रहते हैं, बहते रहते हैं. सो उनको ये लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि आसमान के पार ये बादल चले जाते हैं. वाई सिंक द सन बिहाइंड द हिल, ऐसा होता है, आपने देखा होगा सिंक मीन्स डूब जाना, सन, आपने सनसेट को इन्होंने बोला है कि ऐसा क्यों होता है कि सनसेट हमेशा पहाड़ के पीछे, हमेशा आपने देखा होगा जो बेसिकली हिल्स बहुत हाई होती है इसलिए उसके बाद हमें सन नहीं दिखता है. सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सन हमेशा हिल्स के पीछे डूब जाते हैं, एंड वाई द फ्लावर ड्राई, और ऐसा क्यों होता है कि जो फूल होते हैं वो मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं. तो ये उनके अंदर की क्यूरियोसिटी है कि ऐसा क्यों होता है कि बादल चलते हैं, और बस जो हवाएं हैं वो तो बहती हैं, जो सन है, जो सूर्य है, वो तो हिल के पीछे, पर्वत के पीछे डूब जाता है, और जो फ्लावर्स हैं वो मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ स्टैंजा. सम ऑफ दिस वाइज आर नॉट टू हार्ड टू आंसर इफ यू विल ट्राई, अदर नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई. सो अब बता रहे राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि इनमें से कुछ वॉइस तो इतने कठिन होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, नॉट टू हाई, वो बहुत ही टफ नहीं होते, इतने हार्ड नहीं होते हैं. टू आंसर इफ़ यू विल ट्राई, जिस अगर आप कुछ क्वेश्चंस के, बच्चों के कुछ क्वेश्चंस के, अगर आप उनके वाई के आंसर देना चाहें तो कुछ के आंसर आप दे सकते हैं. अदर्स नो वन एवर येट, बाकी, और यह यहाँ पे बता रहे हैं बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो आज तक, जिसे हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, जिसका कारण आज तक पता ही नहीं चला है कि क्यों होता है. अगर कई चीज़ें ऐसी है, जैसा आप देखेंगे तो हम आसमान हमेशा ऊपर ही क्यों है, नीचे क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन क्या हम बता सकते हैं कि ऊपर ही क्यों है. यस, ग्रेविटी है, क्योंकि डेफिनेटली स्काई इज़ मेड, लेकिन ऐसा क्यों है कि स्पेस में रात को हमेशा ब्लैक कलर ही होता है, दूसरा कलर क्यों नहीं होता है? तो कुछ ऐसे कलर्स, कुछ ऐसे अभी भी क्वेश्चन है जिसे आप आंसर नहीं कर सकते हैं. तो राइटर यहाँ पे यही बता रहे हैं. लेट समराइज द पोयम, इस पोयम को आपको बताया गया है कि एक जो बच्चे की भावनाओं को बताया गया है, फीलिंग्स को बताया गया है, कि एक चाइल्ड हमेशा वाई 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 ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, और क्यों पूछते हैं, बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी, क्योंकि उनके अंदर हर चीज़ों को जानने की उत्सुकता रहती है, ये क्यों, वो क्यों, क्या चीज़ें, जो भी वो देखते हैं तो उसका कारण पूछते हैं. जैसे क्यों लकड़ियां तैरती हैं, क्यों मार्बल्स डूब जाते हैं, क्यों सन शाइन करते हैं, क्यों हम खाते हैं, क्यों ऐसा होता है कि बादल चलते हैं, क्यों ऐसा होता है कि जो सन है वो तो हिल्स के पीछे ही जाके सनसेट होता है, क्यों फ्लावर्स डाई होते हैं, और कुछ के आंसर्स हम दे सकते हैं. बहुत टफ भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी उनके रहते हैं जिसका आंसर आज तक न ही साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है, न ही किसी भी पर्सन ने एक्सप्लोर किया है. सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोयम वाई. थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू वॉन्ट कंटिन्यूसली वी आर अपलोडिंग द वीडियो, इफ़ यू वॉन्ट टू सी ऑल द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल. और अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए, स्पेशल कोई भी एक टॉपिक भी आप बता सकते हैं जिस पे आपको लगता है कि हाँ इस पे आपको और एक्सप्लेनेशन की नीड है, सो यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट. वी आर मेकिंग द वीडियो इन एवरी सिंगल टॉपिक पे भी आप वीडियोस आपके मिल जाएंगे. यू कैन राइट अस ऑन कमेंट. थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस.